शिक्षक नाम अशोक ऑटो मोबाइल चौधरा से। मैं किर्लोस्कर पावर मीटर का डीलर हूँ और मैं आपको किर्लोस्कर पावर मीटर के बारे में कुछ बताना चाहूँगा, कैसे ये स्टार्ट होता है, क्या क्या आप इसके ध्यान रखते हैं, कैसे इसको चलाना है। तो सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, जब आप मीटर स्टार्ट करते हैं तो ये फ्लेम आउट स्विच होता है, इसको हमेशा लगाना है, ठीक है। उसके बाद हल्का सा एक्सीलेटर है, ये एक्सीलेटर है, इसको देना है, ठीक है। और उसके बाद हल्की सी ये रोक खींचनी है, ये जब लॉक हो जाती है इसके बाद ये डिकम्प्रेसर स्विच को डाउन करना है। और इसके बाद आपने पूरे जोर से इस रोक को खींचना है, ठीक है। इसको आपको जोर लगा के खींचना पड़ेगा। मैंने पिछले सीजन में कुछ वीडियो बेचे थे तो मेरे कस्टमरों की कंप्लेंट आई कि आपके वीडियो स्टार्ट नहीं हो रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा जो पेट्रोल वीडियो होते हैं वो हल्के होते हैं और वो जल्दी से स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये डीजल वीडियो है और किर्लोस्कर भी वीडियो है, तो इसमें काफ़ी जोर लगता है इसको स्टार्ट करने के लिए। और इसकी रोक जो है आपको पूरी खींचनी है, अगर आप इसकी रोक आधी खींचेंगे तो ये स्टार्ट नहीं होगा। मैंने मैक्सिमम लोगों को देखा है वो जो रोक को इतना इतना खींचते हैं तो ये ऐसे स्टार्ट नहीं होगा, आपको रोक को पूरी तरह खींचना है। और अगर आपका जोर नहीं लग रहा है तो आप ध्यान करें, इस पैर को यहाँ पे रख लें और फिर इस डिकम्प्रेसर को दबाएं और फिर जोर से इसको खींचें तो आपका वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद मैं आपको कुछ और इसकी बेसिक इंस्ट्रक्शन दे देता हूँ। देखिए यहाँ पे आइए, ये आपको पहले बता दिया मैंने, ये फ्लेम आउट स्विच है, तो इसको आपने दबा के रखना है। जब आप चलाते हैं तो एक बात ध्यान में रखें, इसको हमेशा अपने हाथ से प्रेस कर रखें, फिर अपने क्लच को यूज़ करें, क्योंकि अगर कभी आपका वीडर कंट्रोल खो दे तो ये आपके हाथ से छूट जाएगा और वीडर बंद हो जाएगा। तो इसको हमेशा दबा के रखें और पकड़े रखें ऐसे। और इसके साथ मैं बताना चाहूँगा आपको, ये इसका क्लच है, ये क्लच है, ये इसका बैक गियर है। क्लच दबाएँ, बैक गियर ऐसे प्रेस करें और इसको हल्का सा क्लच छोड़ें। इसके बैक गियर में एक बात और बताना चाहूँगा, इसमें लॉक सिस्टम है, ये देखिए। तो ये बैक गियर जो है पूरा दबता नहीं है, जब इसका लॉक फंसा होता है तो ये दबता नहीं है, ठीक है। ये देखिए इसका बैक गियर दबा नहीं, इसको आप यहाँ से खींचेंगे तो आपका बैक गियर लगेगा, वरना ये फंस जाएगा, ये देखिए, वरना ये नहीं लगता है, ठीक है। क्लच दबाएँ, रिवर्स गियर लगाएँ, फिर क्लच छोड़ेंगे तो ये पीछे आना स्टार्ट हो जाएगा। और इसके साथ मैं बताना चाहूँगा आपको, ये इसके गियर है, ये पीछे को जो है इसका स्लो गियर है, आगे को इसका फास्ट गियर है, ये इसका स्लो गियर है और ये इसका फास्ट गियर है। बस क्लच दबाएँ, क्लच दबाने के बाद इसका स्लो गियर डालें या फास्ट गियर जो भी आपने डालना है वो डालें और क्लच छोड़ें और आपका वीडियो चल पड़ेगा। ये इसका एक्सीलेटर है, तो आप इसको अपने अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे भी आप एडजस्ट करना चाहें वैसे एडजस्ट कर लें, ठीक है। इसके बाद ये इसके हैंडल है, ये हैंडल अगर ढीला करेंगे तो आप इसको पीछे को रोटेट कर सकते हैं, और इसकी एडजस्टिंग करने के लिए ये हैंडल है, इसको खोल के आप ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे कि ये देखिए, ये मैंने हैंडल ढीला किया तो आप इसको, आप ये देखिए ऊपर नीचे आप एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे कि आप जिस हिसाब से आप चाहते हैं इसको वहां पे जाके इसको लॉक कर दें। पर ध्यान रखिएगा इसको आप ढंग से टाइट करें, वरना यहाँ पे जो टीथ होते हैं वो खराब हो सकते हैं अगर इसको आपको ढंग से टाइट नहीं कर पाओ तो। और इसको भी ध्यान रखें, ये भी ढंग से टाइट होना चाहिए। ये इसका इंजन ऑयल चेक करने का गेज है, इसको खोलें, एक निशान है वहाँ पे चेक करें आपका इंजन ऑयल पूरा है या नहीं है। ये दोनों साइड दिए हुए हैं इंजन ऑयल चेक करने के लिए। और ये देखिए, ये गियर ऑयल चेक करने की गेज है, ये इसका एयर क्लीनर है, ये इसका साइलेंसर है, ये डीजल टैंक है। आपको बताना चाहूँगा इस चीज़ को आप हमेशा साफ सुथरी रखें, मैं तो आपको कहूँगा कि हर दिन आप इसको साफ करें। इसको देखिए, इसको इस तरह से खोलिए, 5 HP 8 HP दोनों सेम होता है, बस साइज़ का फ़र्क होता है, अंदर से भी थोड़ा अलग होता है। ये देखिए, ये 5 HP है, तो ये देखिए इसका ऑयल जो है अभी बिल्कुल साफ़ है। जब ये खेत में चलेगा तो यहाँ पे मिट्टी जम जाएगी, तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि आप इसको रेगुलरली साफ़ करें, ये जो मिट्टी जमेगी उसको साफ़ करें, इसको डीजल से बढ़िया करके धोएं और उसके बाद इसमें नया इंजन ऑयल डालें और इसको फिर से बंद कर दें। यहाँ पे भी ऊपर भी एक एयर फिल्टर है, हो सके तो इसको भी साफ़ करें अंदर से। ये देखिए, ये 5 HP का है, ये देखिए,
इसको निकाल के बढ़िया से साफ करें, या फिर इसके ऊपर ही डीजल फेंक के इसको बढ़िया साफ करें और फिर इसको ढंग से बंद कर दें।